शिवपुरी में बंदूक की नोक पर लाखों रुपए लूटने का मामला सामने आया। रविवार देर रात 7 से 8 बदमाशों ने फतेहपुर क्षेत्र में गणेश कॉलोनी निवासी संजय शर्मा के घर को निशाना बनाया। बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और संजय शर्मा के परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों की नकदी लूट ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुटी है। रात को 4:30 बजे चोर आए 7-8, सामान वामान ले गए, सब लूट कर ले गए। वो तो सब कुछ ले गए। कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे की। लगभग कितने रुपए का सामान होगा? 13-14, 14-15 लाख का। मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे। इनके घर में जहाँ वे सो रहे थे, पति पत्नी बच्चे, तो इनके दरवाजे पे नॉक हुआ। जब ये पहुंचे तो दरवाजा उन्होंने धक्का देके खोला तो उसमें कुछ लोग इनके घर पे अंदर आ गए और इन लोगों को बिस्तर पे ही बोला गया कि कट्टा दिखा के कि आपने जो भी सामान है, पैसा है, वो आप दे दीजिए। और चाबी लेने के बाद में वो वहाँ से करीबन 2-2.5 लाख रुपये कैश और बाकी जो इनके घर में जेवर थे वो ले गए हैं। करीबन 8-10 लाख की वारदात की उन्होंने। हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, वहाँ पर सारी टीमें हमारी लगा दी हैं। फसल वगैरह से भी जांच करवा रहे हैं हम लोग और आसपास भी सब जगहों पर अपने हिसाब से जो भी लगता है उनके बताने के हिसाब से भी और मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से भी सारी चीज़ें दिखवा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी पता लगाएंगे।